Good afternoon, everyone. Can I request everybody to put their phone on silent mode? Welcome to the Health Ministry's briefing on COVID-19 this afternoon. We have with us Shri Rajesh Bhushanji, Secretary of Health and Family Welfare, and Dr. Bhargav, DGICMR. Secretary Health will give us a brief on the latest update on COVID-19, followed by some remarks from Dr. Bhargav, and then we'll take some questions. Over to you, sir. Thank you. Namaskar. COVID cases ki sthiti hum aapke samne prastut kar rahe hain. Pichle 24 ghanton mein desh mein 23,000 ke lagbhag केसेस रिपोर्ट हुए. ये लगातार जो गिरावट का ट्रेंड है वो अभी बना हुआ है और ऑलमोस्ट 60% ये जो कुल मामले रिपोर्ट हुए पिछले सप्ताह, उसमें से 60% मामले केरल से रिपोर्ट हुए. हालांकि केरल में जो एब्सोल्यूट नंबर है केसेस का वो नीचे आ रहा है, वहाँ भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, बट केरल स्टिल कॉन्ट्रीब्यूट्स a substantial number of total cases in the country. अगर active cases को देखें तो ये हमने लाल रंग के ग्राफ में दिखाया है. active cases की संख्या लगातार देश में घट रही है और जो cumulative recovery rate है वो लगातार बढ़ रहा है. इस समय almost 98% recovery rate देश में है. यदि हम राज्यों की स्थिति को देखें तो आप ये पाएंगे कि पूर्व की तरह केरल में सबसे अधिक एक्टिव केसेस हैं, 1,00,000 से कुछ ज़्यादा, 1,44,000, जो कि देश के एक्टिव केसेस का 52% है. महाराष्ट्र में 40,000 केसेस हैं एक्टिव, तमिलनाडु में 17,000, मिजोरम में 16,800, कर्नाटक में 12,000 और आंध्र प्रदेश में 11,000 से कुछ अधिक. तो इस प्रकार जो देश के मानचित्र पर जो राज्य हरे रंग से दिखाए गए हैं वहाँ 10,000 से कम एक्टिव केसेस हैं. इसका अर्थ ये हुआ कि वहाँ जो लोग अस्पतालों में भर्ती हैं या होम आइसोलेशन में हैं अंडर मेडिकल केयर, उनकी संख्या प्रत्येक राज्य में 10,000 से कम है. और फिर जो पीले रंग से राज्य दिखाए हैं वहाँ एक्टिव केसेस 10,000 से 50,000 के बीच में हैं. और फिर ऑरेंज और रेड रंग से जो दिखाए गए हैं वहाँ 50,000 से अधिक या 1,00,000 से अधिक मामले हैं. जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, 1,00,000 से अधिक मामलों वाला केवल एक राज्य है. क्योंकि केसेस की संख्या घट रही है तो हमें पॉजिटिविटी के ट्रेंड को भी देखना चाहिए. तो ये साप्ताहिक पॉजिटिविटी के ट्रेंड हम आपको पिछले 5 माहों के दिखा रहे हैं. इस ट्रेंड का विश्लेषण करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज भी देश में हम प्रतिदिन 15,00,000 से लेकर 16,00,000 टेस्ट करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि टेस्ट्स की संख्या घट गई हो. द नंबर ऑफ टेस्ट्स दैट आर डन एवरी डे हैज़ नॉट रिड्यूस्ड. इट इज़ स्टिल बिटवीन 15,00,000 टू 16,00,000 टेस्ट्स अ डे. एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट the number or the rate of positivity is coming down. दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये कि ये 13वां सप्ताह है लगातार जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी 3% से कम रही है. लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि ये पॉजिटिविटी और घटे, क्योंकि जब पॉजिटिविटी घटती है और टेस्ट्स की संख्या बढ़ती है उसका अर्थ ये है कि इन्फेक्शन नियंत्रण में है. तो ये सभी राज्यों का प्रयास होना चाहिए, सभी संघ शासित क्षेत्रों का प्रयास होना चाहिए और हम सबका सम्मिलित प्रयास होना चाहिए. एक और जो पॉजिटिव साइन हम देख रहे हैं, हम आपको उन जिलों की जानकारी देते हैं जहाँ की पॉजिटिविटी 5% से 10% के बीच में है और 10% से ऊपर है. पिछले सप्ताह तक ऐसे जिलों की संख्या 60 से लेकर 66 के बीच में होती थी. द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स वेयर पॉजिटिविटी इज मोर देन 5% एंड मोर देन 10% यूज टू बी बिटवीन
60 to 66 in numbers. That number has come down and today it is 48. उस 48 की संख्या में 18 जिले ऐसे हैं जहां की वीकली पॉजिटिविटी 5% से ज़्यादा है और 10% से कम है. उन जिलों का ब्यौरा हमने इस स्लाइड में आपके सामने रखा है और ये 30 जिले ऐसे हैं जहां 10% साप्ताहिक पॉजिटिविटी से ज़्यादा है. तो इसका अर्थ ये हुआ कि देश भर में कुल 48 जिले ऐसे हैं जिनको विशेष रूप से देखने की आवश्यकता है, वहाँ निगरानी रखने की आवश्यकता है, वहाँ जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है. ऐसा नहीं है कि बाकी जगह नहीं इस चीज़ों पे ध्यान देना, लेकिन क्योंकि इन जिलों में पॉजिटिविटी अपेक्षाकृत अधिक है इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ विशेष सावधानी बरती जाए. अब हम वैक्सीनेशन की बात करेंगे. आज सुबह के आंकड़े मैं आपसे शेयर कर रहा हूं. 88 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन डोजेज एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं. हमारा ये मानना है कि आज देर रात तक हम 89 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर कर देंगे. इनमें से 64 करोड़ से ज़्यादा डोजेज पहली डोज हैं और 23.70 करोड़ दूसरी डोज हैं. अगर कैटेगरी वाइज देखें, श्रेणीवार क्या स्थिति है, तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स की श्रेणी है उसमें 99% हेल्थ केयर वर्कर्स को पहला डोज मिल चुका है और जो फुल्ली प्रोटेक्टेड हेल्थ केयर वर्कर्स हैं यानी जिन्हें दोनों डोज मिल गए हैं वो 85% हैं. फ्रंटलाइन वर्कर्स को देखें तो 100% लोगों को पहला डोज मिला है और 82% फ्रंटलाइन वर्कर्स ऐसे हैं जिन्हें दोनों डोज प्राप्त हो गए हैं. 18 बरस से ऊपर की जनसंख्या में 69%, दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर, 69% ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज़ मोर देन 18+ इन आर कंट्री हैज़ रिसीव्ड एटलीस्ट वन शॉट ऑफ द वैक्सीन और 25% जनसंख्या ऐसी है जिसको कि दोनों वैक्सीन के डोजेस प्राप्त हो गए हैं. अब हम आपको राज्यों की स्थिति देश के नक्शे पे दिखाना चाहेंगे. तो 6 राज्य और संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें कि 100% जिन्होंने पहला डोज का कवरेज किया है. उसके बाद 10 राज्य और यूटीज ऐसे हैं जिन्होंने कि पहला डोज 80% से अधिक लोगों को दिया है. 15 राज्य और यूटीज ऐसे हैं जिन्होंने कि पहला डोज 60 से 80% लोगों के बीच में दिया है और 7 राज्य और यूटीज ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी पहला डोज 60% से कम लोगों को दिया है. जो राष्ट्रीय औसत है, जो ऐसा मैंने अभी आपको बताया, वो 69% है फर्स्ट डोज कवरेज का. ये हम पहले भी आपको दिखाते रहे हैं. ये वो राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं जहां 18 से अधिक की जनसंख्या को 100% लोगों को पहला डोज दिया जा चुका है. लक्षद्वीप, चंडीगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और सिक्किम. उसी प्रकार ऐसे राज्य और संघ शासित क्षेत्र जहाँ की 85% से ज़्यादा लोगों को पहला डोज दिया गया है, 18 से अधिक आयु के लोगों को, उसमें दादरा और नगर हवेली, केरला, लद्दाख, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात ये राज्य हैं. और कहाँ कितने प्रतिशत जनसंख्या को पहला डोज दिया गया वो भी हमने जानकारी आपके साथ साझा की है. वैक्सीनेशन बाय जेंडर एंड बाय लोकेल ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर समय समय पर विमर्श होता है. जो हमारे कोविड टीकाकरण केंद्र शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं वहाँ कुल टीकाकरण का 35% वहाँ हुआ है और जो कोविड टीकाकरण केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में हैं वहाँ कुल टीकाकरण का 64% हुआ है. यानि रूरल एरियाज़ में टीकाकरण का जो प्रतिशत है वो शहरी क्षेत्रों से अधिक है और वो हमारी जो जनसंख्या का बंटवारा है शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच
लगभग उसके अनुरूप भी है। उसी प्रकार अगर महिला और पुरुष बेनिफिशरीज़ को देखें तो 52% से कुछ अधिक टीकाकरण जो पुरुष बेनिफिशरीज़ हैं उनके लिए, और 47.9, इसको आप 48% मान सकते हैं, ये महिला बेनिफिशरीज़ के लिए है। अदर जेंडर का टीकाकरण का भी आंकड़ा हमने आपके साथ शेयर किया है। क्योंकि टीकाकरण की रफ्तार बढ़ रही है, टीकाकरण का कवरेज बढ़ रहा है, इसलिए आप देखेंगे कि प्रतिदिन जो औसत टीकाकरण होता है उसका नंबर भी बढ़ रहा है। मई महीने में हम लगभग 19 लाख टीके एक दिन में औसतन लगाते थे। सितंबर में अभी तक हमने एक दिन में 79 लाख टीके औसतन लगाए हैं, तो ये अपने आप में एक भारी वृद्धि है। उसी प्रकार अगर आप एब्सोल्यूट डोजेस देखें जो कि एडमिनिस्टर की गई, तो मई महीने में 6 करोड़ डोज एडमिनिस्टर हुई थी, अब हमने लगभग उसका 4 गुना ज़्यादा डोजेस 23 करोड़ सितंबर महीने में एडमिनिस्टर की हैं, और सितंबर का अभी एक दिन बाकी है। तो भविष्य में आगे जाते हुए हमारा क्या अनुरोध है, क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं, त्यौहार के अवसर पर भीड़ भाड़ होने की संभावना है, इसलिए हम फिर से अनुरोध कर रहे हैं आपके माध्यम से कि भीड़ भाड़ से बचना चाहिए, 2 गज की दूरी बना के रखनी चाहिए और मास्क को प्रॉपरली पहनना चाहिए। हम ये भी कह रहे हैं कि त्यौहार समझदारी से मनाएं, क्योंकि यदि आप ही सुरक्षित नहीं हैं, आपके परिवार के सदस्य सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर त्यौहार का औचित्य समाप्त हो जाता है। इसलिए त्यौहार ज़रूर मनाएं, लेकिन त्यौहार कोविड अप्रोप्रिएट तरीके से मनाएं, घर के भीतर मनाएं जहां तक संभव हो सके, और जो हम बार बार कहते हैं कि 2 गज की दूरी बना कर रखें, मास्क पहने, हाथ को या तो सैनिटाइज़र से या साबुन से का इस्तेमाल करके धोएं, तो ये सब काम भी करने चाहिए। हमने पिछली बार आपको बताया था कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है 21 सितंबर को, उसके बाद गृह मंत्रालय ने भी 28 सितंबर को एक एडवाइजरी जारी की है सभी राज्यों के लिए, जिसमें ये कहा गया है कि ऐसे इलाके जो कंटेनमेंट जोन के रूप में नोटिफाई किए गए हैं या ऐसे ज़िले जहां 5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी है, उनके आंकड़े हमने अभी आपके साथ साझा किए थे, वहाँ मास गैदरिंग अवॉइड किए जाने चाहिए। हमने ये भी कहा है कि पहले से अगर आप कोई आयोजन कर रहे हैं, कोई एग्जिबिशन कर रहे हैं, कोई और चीज़ें कर रहे हैं, तो उसके लिए एडवांस परमिशन की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें कि कितने लोग वहाँ जुटेंगे ये संख्या पहले से बताई जानी चाहिए, और ये स्थानीय कॉन्टेक्स्ट पर आधारित हो सकती है, और ये विशेष रूप से ऐसे ज़िलों में किया जाना है जहाँ पॉजिटिविटी रेट 5% और उससे कम है। 5% से अधिक वाले जिलों में क्या करना है, ये भी हम परामर्श दे रहे हैं। 5% से कम पॉजिटिविटी वाले जिलों में क्या करना है, ये परामर्श भी हमने राज्यों के साथ शेयर किया है। हम ये भी कह रहे हैं कि जब भी राज्य सरकारें कोई रिलैक्सेशन देती हैं या कोई रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं, तो ये एक डायनेमिक प्रक्रिया होनी चाहिए, और ये जो साप्ताहिक केस पॉजिटिविटी है, वीकली केस पॉजिटिविटी, उसके आधार पर ऐसे निर्णय लिए जाने चाहिए। हमारा ये भी अनुरोध है कि यदि कोई ट्रैवल अनावश्यक है तो वो आप न करें, और यथासंभव आप अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ जो भी त्यौहार मनाना है उसको ऑनलाइन मनाएं, छोटे ग्रुप्स में मनाएं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हुए मनाएं। धन्यवाद। डॉक्टर भार्गव, Thank you, sir. I think you have emphasized what I am going to emphasize further. Basically, 2 things, festivities and travel. So we know that festivities are on the horizon, and people are planning to travel linked with festivals or holidays. So increased population density in any area associated with travel increases the chances of infection to tourists, to local population, as well as travelers. So it will be prudent
to avoid non-essential travel. So I emphasize prudent to avoid non-essential travel and observe festivity. Observe festivity, but at low key. So all festivities, please observe them, but at very low key, at least this year. So I will just stop this here and happy to answer questions. Floor is open for question. Okay, we can start with Runjhun. As you know, Zydus Cadila's vaccine, Zycov D, has been given emergency use approval. So in the short term, it won't come into the market, but it would come into the COVID vaccination program. None of the vaccines are in the market as yet because they are under emergency use authorization. As far as the price of the vaccine at which it will be procured is concerned, we are in conversation with the manufacturers. Since this is a three-dose vaccine, and since it comes with a needle-less delivery system, so it would have a differential pricing than the existing vaccines which are being used in the COVID vaccination program. When is it expected to come in the immunization program? Very shortly. I would have eagerly given it to you if there was a date, but what I can tell you at this point in time is that it will be introduced very shortly. Number 126, please. Sir, 2 days baad 2 October hai. 2 October ko lekar kuch vaccination ya kuch केंद्र सरकार की तरफ से योजना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जाए या अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाए? वैक्सीनेशन का कार्यक्रम 16 जनवरी से हमारे देश में प्रारंभ हुआ था और हमने ये कहा था जो राष्ट्रीय कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम का डॉक्यूमेंट है और पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है कि सरकार का उद्देश्य है कि कम से कम समय में सेफ तरीके से देश की एडल्ट जनसंख्या को वैक्सीन दी जा सके. यही हमारा उद्देश्य रहा है. हम प्रतिदिन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं, लेकिन हर दिन की जो उपलब्धि होती है और हर राज्य में जो उस दिन की उपलब्धि होती है वो पब्लिक डोमेन में है. आप लोग भी उसको देखते होंगे. एक डैशबोर्ड है जो आरोग्य सेतु ऐप पर आप देख सकते हैं, और नहीं तो कोविन की जो वेबसाइट है उस पर भी वो ऐप रहता है और वो रियल टाइम पर आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि किस राज्य में कितना टीकाकरण हुआ है. नंबर 18. सर, व्हेन इट इज एक्सपेक्टेड कोवैक्सीन टू गेट WHO EUL? एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम डॉक्टर भार्गव. सर, आर वी डूइंग सम काइंड ऑफ DNA वैक्सीन रिसर्च ऑन डेंगू वैक्सीन? So first, Bhargav Sahib can answer the dengue question. See, dengue vaccine, dengue vaccine is a very important agenda. We are looking at it very carefully. There are certain dengue strains which have been licensed to several companies in India. We are working very closely with them to do the trials. Many of these companies have done their phase one trial in outside of the country. We are planning to do the more rigorous trials very soon with these dengue vaccines. In terms of the Covaxin clearance, we know that scientific data, public health considerations, and international health requirements are all considered on which the clearance is given by WHO. All these have been provided and these are being looked at, and they will be decided by the World Health Organization accordingly. Would you like to add? No, you have already answered the question. 106.
Sir, India did the 2.5 crore record vaccinations on the Prime Minister's birthday. But it seems in some states, dead people were given the vaccine. In some others, pending data entry added to the numbers. Did the Health Ministry look into these allegations, and what was the outcome? I would be a bit more specific. Your question was generic. The allegation of delayed data entry was made in respect of Bihar. We got it checked and we found it to be absolutely baseless. Bihar, on an average, inoculates 3 to 5 lakh people a day. To expect that you would inoculate 5 lakh people a day but will not give them digital certificate, they will not receive SMS, you will not upload that data, would be something totally unrealistic. So we got it checked in detail, and we found that this report was absolutely baseless. We asked the requisite channels and media houses who had done this story if they could share specific details of villages and names of people, and we are still waiting for those details. As far as dead people are concerned, that was an instance in the case of Madhya Pradesh, and we found that the registration was done when the person was alive, and on the date when the person was supposed to come for vaccination, unfortunately the person died, and there was an inadvertent error by the vaccinator in pressing the button in front of that name. So therefore that error happened, which has subsequently been corrected. My question to Secretary, sir, we've been looking at data every day where you show us how many healthcare workers and frontline workers get vaccinated. We're still looking at 99% healthcare workers first dose and 85% second dose. So what do you think is the problem? Because healthcare workers were prioritized first in the entire country when the pandemic broke out. In fact, more frontline workers have received first dose than the healthcare workers also. My second question is in continuation. Do you think that healthcare workers who were initially vaccinated would now require booster doses? Because we've seen that there is waning immunity after vaccination after some months. The second part of your question I would request Dr. Bhargav to answer. But the first part, we have also taken this up with the states. There are certain specific states where the second dose coverage is on the lower side, and we have drawn their attention, and we have provided a facility in the Cowin system where line listing of people who have missed their second dose can be generated. So states have got those lists and they are looking at these people and trying to ensure that second dose is given to these people. And about the booster, I think Dr. Bhargav would be the right person. Okay. I think currently I would say that the talk of booster is not pertinent, and I said this last time also. The call of the hour is to give the two-dose vaccination, which we call as full vaccination, covering the entire adult population. That has to be the goal, that is the agenda, and that has to be continued. Thank you. Just add one more point. We have had some studies in India, where including Bangalore, from some hospital where they have looked at the antibodies, and they have found that antibodies are persisting for much longer. More than 95% of the antibodies persist for up to a year. Therefore, the talk of booster dose is not pertinent at the moment. Thank you so much.